का ये कहने पर बिल्कुल झिझकता नहीं है कि वाकई में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से उनकी प्रधानमंत्री की मजदूर योजनाओं से उनको वाकई में लाभ उठाया है। आपको याद होगा कि जब जीरो अकाउंट जब खुल रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, भारत के मुसलमानों से लेकर के पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था, जीरो अकाउंट में क्या होने वाला है, अरे पैसे आने वाले हैं, अरे अब तो सबके हाथ में पैसे आ जाएंगे। नहीं, एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब न्यूटन सेप के द्वारा जब जमीन और एक्शन और रिएक्शन को जब कह रहा था तो लोग उसको साइकिक कह रहे थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि साइंस का बहुत बड़ा मतलब वो निकाल रहा है तब समझ में आया। और जब एपीजे अब्दुल कलाम साइकिल से जब मिसाइल को बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसके टुकड़े और पुर्जों को साइकिल से लेके आवाजाही कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के बाद पता चला कि उसका उसकी मर्यादा और उसका वैल्यू कितना है। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, उसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड किया गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो योजनाओं से उनको जोड़ा गया वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक एक चर्चा का विषय तो था, बिल्कुल था, एकदम था, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं, वो उनको भी मैं यही कहूंगी कि वो भी लेबर क्लास है और आज भी हैं। तो जिस तरह से वर्क बेस्ड में स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, ब्रिक क्लीन वर्कर्स, गॉबलर, रैग पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, वॉशरमैन, रिक्शा पुलर, लैंडलेस लेबर्स, इनके इनके इनका कोई फ्यूचर ही नहीं था, इनका कोई महत्व ही नहीं था, लोग इनको वैल्यू ही नहीं देते थे। पर जब वो अकाउंट खुला और उनके पास भी UPI देखा गया तब पता चला कि भैया इनके पास इनको इनके वक्त को भी बचाया जा रहा है, इनके पैसे को भी बचाया जा रहा है और इनके पैसे को सेव भी किया जा रहा है। 18 से 40 साल तक के एक ग्रुप को बनाया गया लेबर, जो मोदी जी प्रधानमंत्री लेबर योजना आई, और उसमें एम्प्लॉयज में इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लेकर के स्क्रीन प्रोविडेंट फंड को ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ तक के एक एक मजदूर जो चप्पल में कील लगाते हैं उनको भी इंश्योरेंस दी गई है और उनको भी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है, वही जीरो अकाउंट वाले इससे। उसके बाद फिर मिनिमम अश्योरेंस पेंशन भी रख दिया गया, 3000 रुपए जो 60 साल के बाद काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर उनके अगर मान लीजिए कि कोई मजदूरी करते वक्त उनकी उसकी मृत्यु हो गई है किसी मील में, किसी फैक्ट्री में, तो उस पर भी 60 साल, अब उसकी उम्र मान लीजिए कि ठीक है 35 ही साल है, लेकिन उसकी वाइफ को भी PF मिलेगा उसी जीरो अकाउंट के माध्यम से, और जो उनकी प्रोविडेंट फंड है, उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है उसका भी मुफाद उनके उनके स्पाउस और चिल्ड्रंस बिल्कुल उठाएंगे। अब बात आती है कि सेविंग अकाउंट के द्वारा मजदूरों को एक अलग से स्ट्रेंथ दिया गया, अलग से उनको उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई उसका तो लाभ उठा ही उठा रहे हैं, साथ साथ उन मजदूरों की धर्मपत्नी, उन मजदूरों की अहलिया और बीवियां जनधन योजना के द्वारा अपने वही जीरो अकाउंट वाले के अकाउंट खुलवा करके वो भी जनधन योजना के द्वारा डोमेस्टिक काम कर सकती हैं और डोमेस्टिक कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं, और उस पर 5 लाख से 10 लाख रुपए लोन भारत सरकार की तरफ से योजनाएं दी गई और भारत सरकार की तरफ से 5 लाख 10 लाख रुपए का उनको फैसिलिटीज दिया गया कि सिर्फ मजदूर आपके आपके जो पति परमेश्वर हैं या आपके खाविंद हैं वो क्यों करेंगे, आप भी करो और आप भी डोमेस्टिक कार्य कर करके अपने हाथ बटाओ अपने अपने पार्टनर का। साथ साथ उसके बाद फिर सीखो और कमाओ योजना आई, कारीगर योजना आई, तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मजदूरों को एक बैकबोन दिया गया, एक पिलर दिया गया कि आप अब इस भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं के माध्यम से आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और किसी कार्य किसी वजह से, किसी इफ एंड बट्स की वजह से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वाले सेफ हैं। अब बात आती है कि मृत्यु हो जाती है, कई बार ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं आज,
कि भाई मृत्यु हो गई कारखाने में, जूट मिल में मृत्यु हो गई, लेदर फैक्ट्री में मृत्यु हो गई। अब जो वहां के लोग हैं, ठेकेदार हैं, वो बिल्कुल पीएफ देने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल पीएफ जो रिलीज करने को तैयार नहीं है। तो उसमें वहां पर आर्टिकल 23 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 ये दर्शाता है कि हम जैसे काउंसिल उनके लिए केस लड़ करके उनके पीएफ को मंगवा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शायद मेरी शक्ल इतनी खराब चुड़ैल नुमा है कि मेरे एक नोटिस जाते ही पीएफ रिलीज हो जाता है, मुझे आगे कोर्ट तक मतलब अपील करना ही नहीं पड़ता है। और कई बार ऐसा होगा ना, आपका रोब होगा तो ऐसे कई फाइल है मेरे पास कि बस पहली नोटिस जाती है और दूसरी नोटिस हम रेडी ही करते हैं कि वहां से एक मेल आ जाता है कि नहीं आप उनको भेज दीजिए और हम पीएफ रिलीज करने को तैयार है। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, कभी कभी विच फेस भी बहुत काम आ जाता है। लेकिन ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो कानून में भी हुए लेबर के लिए, और ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो प्रधानमंत्री की योजनाओं में भी आए, जिससे मजदूर अगर जीवित नहीं भी है और कार्य करने के दौरान अपनी सर्विस करने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका संसार सेफ और सिक्योर है। अब मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी चाइल्ड लेबर एक्ट पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं हर उस देश के लिए एक कलंकित चेहरा है, एक देश को का बदनुमा चेहरा है, जिस देश में नारियल बेचने वाला छोटा बच्चा होता है, जिस देश में पंचर बनाने वाला छोटा बच्चा होता है, जिस देश में चाय की दुकान पर चाय बढ़ाने वाला छोटा बच्चा होता है, जिस देश में गाड़ियां साफ करने वाला छोटा बच्चा होता है या फैक्ट्री की मशीनों को साफ करने वाला छोटा बच्चा होता है, तो वो मुझे लगता है कि वो देश फिर तरक्की याफ्ता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री ने चाइल्ड लेबर एक्ट पर बहुत ही महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल और अहमियत का काम किया है, और ऐसे स्कूल्स खोले गए हैं, ऐसे स्कॉलरशिप्स बनाए गए हैं हर वो कास्ट और क्रीड के लिए, हर वो सिटीजन्स के लिए जिसके द्वारा बच्चे चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे, बल्कि उस स्कॉलरशिप के माध्यम से वो स्कूल जाएंगे और स्कूल से शिक्षित होकर के रिटर्न आएंगे। जैसे मुसलमानों के लिए ईदी योजना आई, मुसलमान बेटियों के लिए और बेटों के लिए ईदी योजना आई, ईद के वक्त ही उन्होंने निकाला था, अब तो 3 साल हो चुका है। तो उस ईदी योजना में 50,000 रुपए लड़कियों को और 35,000 रुपए लड़कों को दिया जाने लगा कि आप अपने शिक्षा की शुरुआत कीजिए और उसके बाद फिर आप शिक्षा योजना पर आइए और गारंटी नुमा अपने पिता को या माता को जो जनधन योजना से काम कर रही हैं, जो मोदी जी मजदूर योजना पे काम कर रहे हैं, उसको आप रख करके आप और भी फंड जो है वो रिलीज करवा सकते हैं भारत सरकार से, जिससे आपको आगे बढ़ करके शिक्षा में और भी आराम और आसानी मिलेगी। 9 साल पहले होता क्या था कि चाइल्ड लेबर एक्ट लाना क्यों पड़ा, चाइल्ड लेबर के द्वारा कई बार छोटी बच्चियों को बेचने का भी काम हुआ है, कई बार बच्चों को बेचने का भी काम हुआ है, कई बार जो छोटे छोटे मजदूर बच्चों को बांग्लादेश और ऐसे कई जगह पर भेजने का भी काम हुआ है, जो हमारे देश के लिए एक कलंकित और एक कलंक बन रहा था। तो चाइल्ड लेबर के द्वारा जिस हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट करके बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाया गया चाइल्ड लेबर एक्ट, और इस लेबर एक्ट को लाने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशंस जो मोदी सरकार ने किए, आज आप भारत में गांव ग्राम में भी जाइएगा ना तो आपको कम से कम 18, 16, 17, 20 साल के बच्चे आपको छोटे स्टॉल में या बड़ी दुकानों में दिखाई देंगे, लेकिन आपको 9 साल का, 8 साल का, 5 साल का बच्चा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं। एक चीज और है नाजे, यहाँ पे ये एक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बना किया गया है कि छोटे बच्चों को काम पे ना रखा जाए, चाइल्ड लेबर मना है पाकिस्तान में भी, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं छोटे इलाकों में या इवन बड़े इलाकों में भी घरों के अंदर लोग छोड़ जाते हैं अपने बच्चों को, और अपनी मर्जी से पेरेंट्स छोड़ जाते हैं, उनका कहना है कि जी हम पाल नहीं सक रहे, हमें मुश्किल है, इस किस्म की चीजें होती है, बाद में खैर पकड़े जाते हैं, बहुत बार क्राइम भी होता है इस वजह से इस तरह के बच्चों के साथ। उस तरह की कोई चीज या इस किस्म की कोई आपके यहाँ है कि जो घरों में काम कर रहे हैं बच्चे उनके ऊपर भी नजर रखी जाए घरों के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो सरकार को करते हैं,
और वो ऐसे अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। अभी हालिया में मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली से उसके बाद फिर बिहार से ऐसे कई सारे मीडिया के लेंसेस में, और हमने नेशनल न्यूज पर देखा कि बच्चे को बच्चा एकदम बच्ची सी आई थी और उसको खाने का प्रॉब्लम दिया गया, उससे उसको खटाया गया, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, और उस किसी माध्यम से, किसी सोशल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो पता चला और वो महिलाएं वहां पर गई हैं महिला समिति और उसको उठा करके लेके आई है, फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो इस पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत में जो महिला समिति लोग की जो महिलाएं हैं वो बहुत एक्टिव काम करती हैं, क्योंकि 5 साल में जो चाइल्ड लेबर एक्ट एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो इसको स्ट्रिक्ट किया गया है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एम्पावर हो गई हैं महिला समिति के द्वारा। और ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से अटैच्ड नहीं है लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को बताने की क्षमता और पावर रखते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी गलत चीजें हो रही हैं, जिस पर फिर डायरेक्ट वुमेन कमीशन हुआ या ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ वो डायरेक्ट फिर आकर के बात करता है। यहाँ तक कि दिल्ली से नेशनल वुमेन कमीशन के तो सीधा चेयरमैन आ जाते हैं। मैं अभी बंगाल में बैठी हुई, बंगाल में एक छोटा तिलजला एरिया में जहां पर आपकी वो जावेरिया आई है, खैबर पख्तूनख्वा से, मैं उसी एरिया के बारे में बता रही हूँ कि वहां पर एक तिलजला में 6 साल की छोटी बच्ची का अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था। अभी मैं 2023 की ही बात बता रही हूँ। तो उस मैटर को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन दोनों चेयरमैन आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ आ करके वहां यहाँ रह करके एक महीना उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, पूरा रिपोर्ट बनाया, और वो रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट स्मृति ईरानी जी के टेबल पर गया, जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कैबिनेट मंत्री हैं और माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। तो इतना जबरदस्त कनेक्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अवेयरनेस चलाती हैं, जो घर घर में एंटर करके देखती हैं कि यहाँ पर बच्चों के साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, या जो माइनर बच्चे हैं उनको जोर जबरदस्ती रख करके उनके साथ ऐसा कोई गलत हरकत तो नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि हमारा भारत धीरे धीरे इकोनॉमिकली और फिनेंशियली इतना स्ट्रांग होता चला जा रहा है, मजदूर से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लेबर क्लास हैं, उनको इतना स्ट्रांग कर दिया गया है, फिर माता पिता दोनों को जनधन योजना के द्वारा इतना स्ट्रांग किया गया है, और बच्चों को शिक्षा की तरफ ज्यादा प्रोवोकेशन दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ वो वाला सिस्टम है नहीं कि हम खिला नहीं पा रहे हैं, आप इसको अपने पास रख लो, या हम पाल नहीं पा रहे हैं, आप इसको अपने पास रख लो। अब अगर हम ढूंढते भी हैं तो भी नहीं मिलते हैं, वो सीधा यही कह देती है कि वो तो पढ़ रही है, वो तो अभी फलाना जगह वो तो ये वाला कोर्स कर रही है, नर्सिंग कोर्स कर रही है, क्योंकि फ्री नर्सिंग कोर्स है, फ्री। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं जो फ्री में बहुत सारी चीजें करा रहे हैं, और इसमें अहम भूमिका भारत में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन निभा रही है, अहम भूमिका। हालांकि उनको स्टेट की तरफ से भी फंडिंग आती है, उनको सेंट्रल की तरफ से भी फंडिंग आती है, जब वो अपने सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, तो 3 साल के बाद फंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है, और उस फंडिंग के द्वारा फ्री कंप्यूटर कोर्स, फ्री नर्सिंग कोर्स, फ्री सिलाई बुनाई कढ़ाई कुकिंग कोर्स, ये सारी चीजें करने के बाद अगर एक भी क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है तो आपके अंदर साथ साथ क्रिएटिविटी के साथ साथ क्रेडिबिलिटी भी आती है कि आप आगे अपने आप को शाइन कर सकती हैं और ब्राइट कर सकती हैं। मान लो जैसे हमारे यहाँ तांत की साड़ियां बहुत बहुत मशहूर है, कोटे की साड़ियां बहुत मशहूर है, तो उस बांस से कैसे तांत की साड़ियां बनेंगी, इसका भी एक अवेयरनेस कैंप लगता है। हमारे यहाँ बेडशीट हाथ से बुना हुआ, कढ़ाई किया हुआ और पेंट किया हुआ भी बहुत बिकता है, जो बाहर देशों में भी जाता है, मेक इन इंडिया का सामान है वो, मेक इन भारत का सामान है जो बाहर देश के लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे कश्मीर में उलेन के सामान जो है उसको भी एक अवेयरनेस कैंप की तरह यूज किया गया है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर उलेन के बहुत सारे सामान है जो अलग अलग विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो वहां से जब वो क्रिएटिविटी सीख करके आ जाती हैं तो फिर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी के घर जाकर बर्तन मांजने की, किसी के घर जाकर के उसकी पुकार सुनने की,
भूख मरने की या किसी से मलेस्ट होने की, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। तो पेट की भूख मिटाना और सर पर छत देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी सारी योजनाओं को खोल दिया है, इतने सारे सेंटर्स खोल दिए हैं कि वो जो नारी वंदन अभिनंदन का जो वो वर्ड यूज करते हैं और नारी शिव शक्ति का जो वो वर्ड यूज करते हैं वो भारत में इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। आप ढूंढ के खोज के नहीं खोज पाइएगा। अगर आपके यहाँ कोई काम वाली आ भी रही है, जैसे मेरे यहाँ मेड्स आती हैं, पर वो बाल बच्चेदार हैं, काफी एजेड हैं, अगर अगर भूले भटके कोई कह भी दे कि भाई तुम्हारी बेटी नहीं है, छोटी दे दो, दिन भर रहेगी, तो वो सीधा कहेंगी नहीं, फलाना कोचिंग सेंटर में है, फलाना स्कूल में पढ़ रही है, फलाना सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। तो मुंह पे अपने आप ही तमाचा लग जाता है कि भाई वो पढ़ रही है, हम कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। तो एक माहौल क्रिएट किया गया है और बहुत ज्यादा फोकस किया गया चाइल्ड लेबर एक्ट पर। बिल्कुल ऐसा ही, और होना भी यही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में खैर अभी भी ऐसा है कि आपको बाहर छोटे बच्चे नजर आएंगे जो गाड़ियां साफ कर रहे हैं या रोड पे इस तरह से काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर रोक है, मना किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल है और ज्यादा गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी, तभी होगा। सॉरी टू से, आपके यहाँ बस ऐसे ही संविधान लिख दिया गया है, बस ऐवे ही कानून बना दिया गया है। कानून अप्लाई होता हुआ, इम्प्लीमेंट होता हुआ तो मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि पब्लिक रिव्यू करते हुए जो बच्चियां बाहर आती हैं, यूट्यूबर्स या ऐसे भी आपके वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, तो छोटे छोटे 9 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे नारियल बेच रहे होते हैं और वो अपने रिव्यू दे रहे होते हैं, और इतना, और जो बच्चे मदरसे में भी जाते हैं उनके भी रिव्यूज इतने टेररिस्ट माइंडेड वाले आते हैं और 72 वर्जन गुरो वाले आते हैं कि वो सुन करके ना, मतलब हम लोग बहुत चिंतित होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। नहीं, डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सी वीडियोस स्क्रिप्टेड भी होती हैं, इस वजह से आप उसके ऊपर इतना बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्रिप्ट लिखकर और फिर ये वीडियो समटाइम्स बनती हैं, हर बार नहीं कह रही, लेकिन कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इतना बिलीव मैं नहीं करती। मैं खुद जाती हूँ मार्केट में और मेरी भी लोगों से बात होती है, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को इस किस्म की बातें करते हुए, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन वीडियोस में कोई ना कोई स्क्रिप्ट मौजूद होता है, और एक तरह से जैसे कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट लिखकर थोड़ा बहुत शायद व्यूज के लिए या किस चीज के लिए, उनकी मर्जी है, उन लोगों की अपनी के वो क्या कर रहे हैं, लेकिन 100% मैं उन वीडियोस के ऊपर बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद गई हूँ, देखा है, लेकिन मुझे ऐसे इस माइंडसेट के लोग इस्लामाबाद में रहते हुए, लाहौर में गई, कराची गई, मुझे नहीं दिखा। आई डोंट नो इन लोगों को इसी किस्म के लोग क्यों मिलते हैं, कोई अच्छे सोच के, कोई बैलेंस्ड किस्म के लोग क्यों नहीं दिखाई देते। मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगी, देखिए अभी हालिया में उत्तर प्रदेश में एक बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट लारा भाषमी ने एक बस कंडक्टर का गला रेत दिया, और जब उसके ऊपर इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो पाकिस्तानी इस्लामिक प्रेचर की प्रीच जो है वो 6-6 घंटा सुनता था, और फिर उसके माँ बाप ने भी अग्री किया और उसने खुद भी स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैं सुनता था और इसी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ। तो आपके पाकिस्तानी इस्लामिक प्रेचर कभी कभी मेरी नजरों के सामने से भी गुजरते हैं, और जिस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं जन्नत अयाशी की जगह है, और जन्नत है ही क्या, वो तो अयाशी की ही जगह है, और ऐसी कई मैंने उनके वक्तव्य को सुना है। तो देखिये जो युवा होते हैं ना, जो टीन एज के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे लड़के होते हैं, उनके ऊपर ये चीजें बहुत हावी होती है, बहुत कह रही कि यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होती। मैं कह रही हूँ कि ये है, चाहे वो मौलाना तारिक मसूद हो या दूसरे कई मौलवी हो, ऐसी किस्म की बातें करते हैं, मदरसे भी हैं वहां पर भी ऐसी बातें होती है, लेकिन कोई रोड पे खड़े हो के इस तरह के इंटरव्यू में और एडुकेटेड आपका सर्कल रहता होगा, तो वो सर्कल जो होता है ना अर्जु जी, वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल आई फील कि आपको हर बार यही लोग मिल रहे हैं, आपको कोई और लोग नहीं मिल रहे, और खैर वो उनका अपना इश्यू है, बट स्टिल एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि इस किस्म के लोग जो होते हैं ना, कोई लाल मस्जिद वाले आगे इंटरव्यू देना शुरू कर दें, या कोई इस किस्म के मौलवी आके इंटरव्यू देना शुरू कर दें, ऐसे माइंड सेट के लोग आ जाए,
ऐसा नहीं होता है, वो इस तरह से इंटरव्यूज नहीं दिया करते, ऐसे बातें नहीं किया करते, वो जो कर रहे होते हैं सबको मालूम होता है, बट दे नेवर कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और से कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। भाई एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, मतलब वो रोज डेली यही बातें होती हैं, तो वो चीज मुझे कुछ अजीब सी लगती है कि डेली आपको इसी तरह के लोग मिल रहे हैं, आपको कोई और नहीं दिख रहा मुझे पाकिस्तान में। लगता है क्योंकि मेरा अपना लॉ करियर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन एंड नथिंग एल्स, डोंट टेक इट अदरवाइज। एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति अगर माहौल खराब करता है, जैसे हमारे हमारे भारत में मौलाना साजिद रशीदी बहुत माहौल खराब करता है, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ, महमूद मदनी बहुत माहौल खराब करते हैं, असदुद्दीन अवैसी बहुत माहौल खराब करते हैं, मानो जैसे उनको एक कर्तव्य दिया गया है कि भारत के मुसलमानों को भड़काओ, उनको भड़काओ, भाषण दो, उनको जिहादी बनाओ, तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं और उनके उनके सामने फेस टू फेस आंखें डाल करके उनके उनको बोलते भी है कि आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दिस काइंड ऑफ स्पीचेस बाय इस्लामिक प्रीचर ऑफ पाकिस्तान, दिस इज नॉट ओनली एबनॉक्शियस फॉर द यंगस्टर्स, दिस इज एज वेल एज दिस इज अनपार्डनेबल सिन फॉर द फ्यूचर, फॉर द बेस्ट एंड बेटर फ्यूचर फॉर द यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसको कानूनी तरीके से जो जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो साउंड है, जो फिनेंशियली बहुत अच्छे हैं, उनको सामने आना चाहिए और ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर के अगेंस्ट में कोर्ट में जाकर के दरखास्त करनी चाहिए कि इनको बैन कीजिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के आने वाले यंगस्टर्स का, युवाओं का बहुत दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये काम पाकिस्तान में रहते हुए इतना आसान नहीं होता, इसलिए कि जितने स्ट्रॉन्ग ये मुल्ला माफिया पाकिस्तान में है, शायद ही कोई और होगा कि जिनको आप इस तरह से चैलेंज कर सकें। कई लोग आपको इस माइंडसेट के मिलेंगे जो उल्टा आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी जान को, आपकी फैमिली को भी खतरा हो सकता है, उसको करने के लिए यकीनन कोई बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग कोई हो। 108 हार्ड सिक्योरिटीज बम, वो पूरा बुलेट फुलेट लेकर के जीप से आगे पीछे जा रहा है, यही तो यहाँ पर ये हाल है। लेकिन स्कूल आई फील के उनके मदरसे के लोग हो, चाहे उनकी मस्जिद के लोग हो, चाहे जैसे मर्जी लोग हो, वो आपको 30 डेज में, यानी जो मंथ में 30 डेज होते हैं, वो हर मंथ 30 डेज आके आपको इंटरव्यू नहीं देते कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और वो गजवा हिंद होना चाहिए तो कभी इंडिया को ये कर दे, ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आई डोंट नो क्या लगता है। मुझे एक बात बताइए कि इस्लामिक प्रेशर का की हिफाजत अल्लाह नहीं कर पाता है, जो सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ती है उन लोगों को, ये तो यही लोग बता सकते हैं, इसलिए कि ये तो एक तरह का बिजनेस है ना, ये जो रिलीजन बेचते हैं ये लोग, जितने मजे इनके हैं, बैठे बैठे इनको तो मतलब सब कुछ मिल जाता है, इनको इनके जो बॉक्सेस लगे हुए हैं जगह जगह पे मदरसों के, उसमें लोग पैसा डालते हैं, तो इनको इनको क्या करना है, इन्हें तो सिर्फ बेवकूफ बनाना है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर सही बोलती हूँ कि मैं और आप जैसे मुसलमान ही ठीक है जो कुरान के कलाम को बेच करके पैसा लेते हैं, बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए। यही वाले मुस्लिम्स होने भी चाहिए जो जैसे मैं और आप हैं, हम आराम से बात करते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते किसी को, यही यही कहा गया है ना। सबसे बड़ी चीज है कि हम कुरान से निकाल करके अल्लाह के कलाम को पैसे से नहीं बेच रहे, हमारा कोई बॉक्स नहीं है चंदा डालिए, और बिल्कुल, और ना हम झूठ बोल रहे हैं, ना हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, ना हम अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि जी हमें पैसा दे दीजिए, ना हम कोई झूठ बोल रहे हैं, ना गलत, वो जो कहते हैं ना सौदा गलत बेचना, झूठ बोलना, किसी को तकलीफ देना, कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग तो बहुत बेहतर मुसलमान है मेरे ख्याल से, हमारे जैसे ही होने चाहिए। प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसी मुसलमान हूँ जो सच को सच और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हूँ, और मैंने और मेरे पूरे खानदान ने, आज तक कोई मौलवी मुल्ला नहीं मेरे खानदान में गुजरा है, लेकिन आप मुझे कुरान के कोई भी सूरा का नाम बोलिए मैं पूरा रट करके बता दूँ और उसकी मीनिंग भी मैं बता दूँ। अल्लाह के कलाम को बेचना, मुझे लगता है इससे बड़ा गुना ये इस्लामिक प्रेचर जो भारत के हैं या पाकिस्तान के, इससे बड़ा गुना तो कोई नहीं कर रहा है। मगर ये मानेंगे थोड़ी, इन्हें तो मैं और आप गलत लगेंगे।